हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी डिलाइट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है, इन ऑर्डर टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज वी मस्ट हैव अ सब्सटेंशियल लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी, अ सब्सटेंशियल लिस्ट ऑफ वर्ड्स। विदाउट लर्निंग वर्ब्स वोकैबुलरीज वी कैनॉट स्पीक इन इंग्लिश, राइट? आई होप यू ऑल आर एग्री विद मी, एंड दैट इज वाई आई हैव ब्रॉट दिस वीडियो इन विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू 10 words, 10 vocabularies, and this is a kind of series that I am going to present in front of you guys. ये जो series है, इस series में आपको बहुत सारे ऐसे नए words सीखने के लिए मिलेंगे जिसको आप daily, day-to-day life में use कर सकते हैं. All you have to do is stick to this video till the end. So without further ado, let's get started. तो आज का जो पहला word है, वो word है broom. BROOM, ब्रूम ब्रूम यानी झाड़ू। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक इमेज भी शो किया है जिससे कि आप और ज्यादा मेमोरी में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो इमेज को ज्यादा देर तक स्टोर रखता है, राइट? सो यू कैन मेमोराइज इट, एंड आई हैव ऑल्सो गिवन अ सेंटेंस यूजिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड, राइट? डज ही ब्रूम डेली, क्या वो हर रोज झाड़ू मारता है, राइट? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इन जैसे कि आप और सेंटेंस बना सकते हैं यूजिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड ब्रूम, राइट? ऑल्सो यू कैन कमेंट मी यूजिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड, यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस, एंड दैट इज व्हेन योर इंग्लिश प्रैक्टिस इज गोइंग टू हैपन। सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रूम, GROOM, ग्रूम ग्रूम यानी दुल्हा। The groom is going to take her to Goa soon. आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दुल्हन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। So let's move towards the next word. Next word is stain. STAIN. Stain यानी धब्बा। कहीं भी हम देखते हैं किसी समारोह में या शादी में, जहां हम किसी खाना खाते वक्त हमें हमारे जो क्लोथ्स है, क्लोथ्स पे कुछ धब्बा आ जाता है किसी खाने का, राइट? तो उसको हम क्या कह सकते हैं? स्टेन कह सकते हैं। STAIN, स्टेन, स्टेन यानी धब्बा। दिस स्टेन कैन नॉट बी वॉश्ड, दिस स्टेन कैन नॉट बी वॉश्ड। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज डिलीशियस, डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। द केक वॉज डिलीशियस, द केक वॉज डिलीशियस। नेक्स्ट वर्ड इज इफेक्टिव, इफेक्टिव, EFFECTIVE, इफेक्टिव यानी प्रभावी, प्रभावी। द इमेज इज इफेक्टिव, द इमेज इज इफेक्टिव। नेक्स्ट प्रिवेंट, प्रिवेंट यानी किसी चीज को रोकना, किसी चीज को, जैसे कि फिलहाल कोरोना का समय चल रहा है तो हम जो मास्क पहनते हैं वो कोरोना को रोकने के लिए पहनते हैं, राइट? द मास्क प्रिवेंट्स द वायरस, द मास्क प्रिवेंट्स द वायरस। नेक्स्ट वर्ड इज वर्शिप, वर्शिप, वर्शिप यानी पूजा। द मंक इज वर्शिपिंग द गॉड गौतम बुद्धा, द मंक इज वर्शिपिंग द गॉड गौतम बुद्धा। वर्शिप यानी पूजा करना। नेक्स्ट वर्ड इज इन्वेंशन, इन्वेंशन यानी आविष्कार, किसी चीज का आविष्कार। हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है कि किसने ये इन्वेंशन किया है लाइट बल्ब का। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन यानी किसी चीज पर आपत्ति लेना, राइट? द पीपल ऑफ यूक्रेन हैव ऑब्जेक्टेड टू द ऑनगोइंग वॉर, द पीपल ऑफ यूक्रेन हैव ऑब्जेक्टेड टू द ऑनगोइंग वॉर। एंड नाउ द लास्ट वर्ड इज इंडिकेशन, इंडिकेशन यानी संकेत। If you have bike, you might have seen that the meter that shows you, indicates you that how much fuel is left in your fuel tank, right? So this instrument indicates the amount of fuel in the tank. Indicate karna yani sanket dena. So this is all for the today's video, guys. If you like this video, do subscribe the channel. See you in the next video.